एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं 2024 पे इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए इस सीरीज को पूरा करते हैं। मैडन स्पीच, जिसको हम फर्स्ट स्पीच कहते हैं, पहला भाषण, हिज मैडन स्पीच वाज क्वाइट अ सक्सेस। ओके, समझ चुके होंगे। सेकंड है वाइट एलिफेंट, जिसको हम बोलते हैं अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। अ यूरोपियन वाइफ इज अ वाइट एलिफेंट फॉर एन इंडियन। समझ गए होंगे इसका अंतर। थर्ड है नाइन डेज वंडर, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर का चमत्कार। अ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ हिटलर वाज अ नाइन डेज वंडर। एक बात गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको आप ट्रांसलेट करते समय मत ये मत सोचिएगा हिंदी टू इंग्लिश करें, क्योंकि ये एडियम सेल्स फ्रेजेज है। टू ब्रिंग टू बुक, टू पुनिश यानी सजा देना। ओके, फिफ्थ है बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, यानी दो कठिन परिस्थितियों के बीच। आई एम बिटवीन स्केला एंड रोहित, इफ़ आई टेल ट्रूथ माई फ्रेंड गोज टू द जेल, इफ आई डू नॉट आई ब्रेट इन माई एम्प्लॉयर। ओके, सिक्स है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर एंड टेस्ट, एक सी प्रकृति या पसंद के लोग। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑफिस आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ओके, समझ गए होंगे आप। सेवन है अ रेड रैग टू अ बॉल, यानी समथिंग दैट इमिटेट्स, यानी उत्तेजित करने वाली बात। द फेरी स्लोगन्स अगेंस्ट द पुलिस प्रूव टू बी अ रेड रैग टू अ बॉल। एट्थ है टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इट्स मीन टू रन अवे, यानी भाग जाना। द थीफ सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स टू द पुलिस। नाइन फूल्स पैराडाइज, इट्स मीन्स फूलिश एम्बिशन, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा है। अ पेटी द मैन ही इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ओके, टेन है टू गेट रीड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू स्केप फॉर्म। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट रीड ऑफ माई क्यूडर समवेयर, नेवर एट द टाइम। 11 गिफ्ट टू द गैप, द स्किल ऑफ ऑर्डरी, यानी भाषण देने की कला। डॉक्टर राधाकृष्ण पोसे द डिवाइन गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, 12 टू कट द गार्जियन नॉट, टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी भी कठिन समस्या का हल निकालना। द नेशनल लीडर्स कट द गार्जियन नॉक्ड बाई द एबोलिंग द नेटिव स्टेट्स। अंतर समझ में आ रहे हैं आपको। 13 है एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, खतरे या बुराई को दूर रखना। ओके, 14 इन कोल्ड ब्लड, वेरी क्रूल, यानी निर्दयता के साथ। ओके, द डकेट्स किल्ड द ओल्ड मैन इन कोल्ड ब्लड। 15 है अ मैन ऑफ आयरन, यानी अ स्ट्रोंग मैन, यानी एक दृढ़ व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन। ओके, 16 है इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है लिखित रूप में। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड इन ब्लैक एंड वाइट। ओके, यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक idioms में, देख लेते हैं क्या है, नए चीज़ें हैं idioms and phrases को लेकर के। उड़ता तीर लेना, टू टेक अ फ्लाइंग एरो, इसका मीनिंग है इनवेलिंग अननेसेसरी ट्रबल। सी वॉज अवेयर द वाइजिंग कंट्रोवर्शियल विच वुड इन्वाइट अननेसेसरी ट्रबल। सितारे गर्दिश में होना, हैविंग अ टच टाइम और फेसिंग बैड लक, मतलब जब आप बैड लक फेसिंग करते हैं तब। व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, इट सजेस्ट अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी और मिसफॉर्च्यून टू समवन्स लाइफ। ही इज़ रनिंग थ्रू अ रफ पैच, ही इज़ गोइंग थ्रू अ स्टिंग ऑफ हार्ट सीव्स। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है। जब आप कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तब। एक तीर से दो शिकार, यानी एक तीर से दो निशाना, यह कहावतें बहुत ही चर्चित है। अटेंडिंग द सेमिनार नॉट ओनली हेल्प मी लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑल्सो अलाउज मी टू नेटवर्क विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इट्स लाइक हिटिंग टू टारगेट्स विद आर एरो। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मीनिंग है एज समवन्स डाउनफॉल अप्रोच देयर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है, वो अपने ही भले के काम के लिए खिलाफ होके काम करने लगता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बहुत खूबसूरत है ये idioms। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, दूर की चीज़ सुनने में तो अलग लगते हैं। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अगर अंत भला तो सब भला। बाल बाल बच्चे गिरने से, चलो अंत भला तो सब भला, आप इसका ट्रांसलेट जरूर करिएगा, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी सुने हैं। वी ऑफेन अंडर वैल्यू आर ओन पोजिशंस एंड एडमायर व्हाट अदर पोसेस,
ओखली में सिर दिया तो मसूल से क्या डरना, सॉरी मुसल से क्या डरना, व्हेन वन हैज प्लेस देयर हेड इन द वाटर वाई फियर द पेस्टल, व्हेन यू हैव विलिंगली पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द नेगेटिव आउटकम्स दैट माइट फ्लो। जिस तरह इस समय मनीष कश्यप कर रहे हैं, मनीष कश्यप ने अब जब सिर दिया है सत्ताई के खिलाफ तो अब क्या कर सकते हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली गई, आफ्टर किलिंग 100 माइस द किड गोज ऑन पिलग्रिमेज। देखिए ये एक एडियम फ्रेजेस होता है आपके वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए। ओके, हैविंग बीन इन्वॉल्व इन मेनी रॉन्ग वर्डिंग डूइंग्स ही इज नाउ प्रिटेंडिंग टू बी एज अ सेंट, ही इज नाउ डिस्प्लेइंग द फेक गुडनेस। कई गलत कामों में शामिल होने के बाद वह अब तक एक संत होने का दिखावा कर रहे हैं, वह अब नकली अच्छाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व इन अ बंच ऑफ सैडी स्टफ नाउ ही इज ट्राइंग टू एक्ट ऑल गुड। कई संदिग्ध चीज़ों में शामिल होने के बाद अब वह अच्छा अभिनय करने की कोशिश कर रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कितना खूबसूरत है ये, हम लोग लगातार यूज करते हैं। देखिए, जस्ट लाइक अ फ्रॉग इन वेल इज अनवेयर ऑफ असिन, समटाइम्स पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स बियॉन्ड इट। ओके, टू द अनपुलिस द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास रिमेन्स अननोन। अशिक्षित लोगों के लिए वर्ग की अवधारणा अज्ञान रहती है, इसको समझिएगा। वीडियो को पोस्ट करके लिखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट न्यू वीडियो एवरी डे। थैंक यू सो मच। ओके, विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।